शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। मैंने आपकी बातें सुन ली थी, पर ठाकुर साहब की इच्छा को देखते हुए मैं उन्हें रसाल के साथ पूजा में जाने की बात ना कर सकी, पर मैंने उन्हें अपने साथ चलकर पूजा करने वास्ते मना लिया था। आप हमारे पर थोड़ा भी विश्वास करो तो यो पूजा मैंने रसाल और उसके होने वाले बच्चे के वास्ते ही करवाई थी। जे आप ये रसाल को देंगी तो वो बांध लेगी, हमारे से तो जानो हूं। मैं आप सबकी नजर में अपनी बहन की खुशियां छीन रही हूं, मैं चाहकर भी आपको अपनी सच्चाई का यकीन ना दिला सकूं, और आपका हमारी बात पर यकीन करना आज के हालात में स्वाभाविक ना होगा। पर यूं पूजा ठाकुर साहब रसाल और होने वाले बच्चे के वास्ते ही है, इसमें हमारा कोई छलना है। मैं अपने कान्हा का वास्ता देकर आपसे कहूं, रसाले ना बताना कि ये मैंने दियो है। रुक जा रुक्मी, हर माँ ये चाहे कि उसकी औलाद खुश रहे। रणबीर की खुशी के वास्ते मैं थारे और रणबीर के ब्याह वास्ते राजी हो गई थी, पर रणबीर थारे से नफरत करने लगा, तब मां होने के नाते उसका साथ देना मारा फर्ज था। फिर रसाल के साथ रणबीर खुश रहने लगे, उनकी खुशी में शामिल होना मारा फर्ज था। रणबीर अपनी नफरत भुलाकर थारे को अपनी बिंदनी माने हैं, मैं भी थारे को अपनी बिंदनी मानूं, पर रसाल के साथ होते हुए अन्याय को भी तो ना देख सकूं, उसे भी तो नजरअंदाज ना कर सकूं। आपको कुछ भी नजरअंदाज ना करना होगा ठकराई, क्योंकि रसाल की पीड़ा का हमारे को भी ध्यान है, और हमारा विश्वास करो ठकराई, उससे सबसे ज्यादा खुशी मारे को होगी जिस दिन ठाकुर साहब की याददाश्त लौट आएगी, हमारी बहन को फिर से प्यार करने लगेगी, और हमारे से फिर से वही नफरत। हमारी आंखों में तो क्या सुना बहेंगे, बल्कि खुशी के आंसू लेकर इस घर से आप सबके जीवन से चले जाओगे। आप माताजी महाराज से प्रार्थना करो कि वो दिन जल्दी आवे। छोरी कठे से सीखियो तने ऐसे शब्द कहना, जीवन से बढ़कर और कौन सिखा सके। रणबीर की याददाश्त वापस आने के बाद मारा पलड़ा रसाल वास्ते भारी हो जावेगा, उससे मारी को आपसे कोई शिकायत ना होगी, बल्कि खुशी होगी।
कि आपका फैसला इंसाफ के पक्ष में है। आपको हमारे पास आने की कैसे सोची? अरे मैं गांव के बाजार गयो थो, बट एक ठेले पर मारी नजर पड़ी। छोरिया इमली खरीद रही थी, जहां तू खरीदती थी मारे को थारी याद आ गई। तो देख मैं थारे लिए खरीद लाया इमली, ले रख ले। अरे याद है थारे को, तू इमली के लिए मारे से पैसा मांगती थी और मैं तेरे को ना देता, तुम्हारे से लड़ती थी। फिर रोज घर आते समय मैं थारे लिए इमली लेकर के आता था, मैं थारे को छुपा के देता था और तू तू छुप छुप के खाती थी। आप बड़ी यादों को सहारो ना लो, क्योंकि तब आपने मारे को जो दियो छुपा कर दियो और आज मारे साथ जो कियो वो भी छुपा कर ही कियो। खड़ी महंगी आंख में चोली खेली आपने मारे साथ बापू। अरे कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा ना करना चाहे, जिसे मारे को हालात ने थारे साथ कराने पर मजबूर कर दियो। खैर मैं अपनी खुद की सफाई भी दूं तो थारे सामने व्यर्थ होएगी। मारे को थारी याद आ गई थी, इसलिए एक बाप होने के नाते मैं थारे वास्ते वो चीज ले आयो जो थारे को घनी पसंद थी। थारी मर्जी है। चाहे तो इसे फेंक देना। अरे एक ही एक इमली थारी है, मारे को भी देना। ना जी, मैं आपको ना दूंगी। अरे मारे को भी दे इमली। मैंने कहा था मैं आपको ना दूंगी। रसाल तू अकेले ना खा। जी जी मारी इमली है, मैं आपको ना दूंगी। मैं को भी खानी है। ना जी जी बापू बापू बापू। अरे यो घर का ही माथे उठा रहा क्यों? देखो ना बापू, जी जी मारे से इमलियां छीन रही है। अरे मैं छीन ना रही थी, मैं मांग रही थी। अरे रुक्मी खाने देना इसको, तारे को तो मालूम है रसाल को इमली बहुत पसंद है। चल तुम्हारे एक काम कर, आओ चल चल चल। ठाकुर भंवर सिंह जी, जब दीप सिंह ने मुझे बताया कि ठाकुर रणवीर सिंह बाहर गए हुए हैं और उनके इलाज में कुछ समय है, तो मैंने सारी रिपोर्ट्स दूसरे डॉक्टर्स को दिखाई, तो उनकी भी यही राय थी कि इलाज आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन याददाश्त कब लौटेगी? आप कहना क्या चाहो डॉक्टर? ठाकुर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठाकुर रणवीर सिंह की याददाश्त लौटने में हमें संदेह है। मारे छोरे की याददाश्त कभी वापस ना आ पाएगी? देखिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूँ। इलाज तो हम शुरू कर सकते हैं, पर याददाश्त कब लौटेगी ये कहना बड़ा मुश्किल। हो सकता है किसी बात पर 5 मिनट में इनकी याददाश्त लौटे, लेकिन ये भी हो सकता है कि 50 साल लग जाए। कहना बड़ा मुश्किल है। सब बोलना के चाहो,
जब आपकी और हमारी बात फोन पर हुई थी तो आपने कहा था कि आप रणवीर का इलाज शुरू करना चाहते हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि उसकी याददाश्त कभी वापस ही नहीं आ सके। ठाकुर साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि रणवीर सिंह का इलाज शुरू करने से पहले मैंने डॉक्टरों की राय ली थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था, और वही मैंने आपके सामने रख दिया। डॉक्टर साहब, आपको मतलब है कि मारे छोरे की याददाश्त वापस ना आ पाएगी, उसकी बीमारी कभी ठीक ना हो पाएगी। देखिए, आपके बेटे को कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब, उसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई बात याद ना है, और आप कह रहे हो कि वो बीमार ना, ये बीमारी नहीं तो और क्या है? ठाकुर साहब, मेरे कहने का मतलब है रणवीर सिंह की सिर्फ याददाश्त गई, और याददाश्त जाने का मतलब कोई बीमारी नहीं है। ठाकुर साहब, रणवीर सिंह को ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे उन्हें शारीरिक समस्या हो। सिर्फ याददाश्त चले जाने को हम बीमारी तब कह सकते हैं जब आदमी अपना संतुलन खो बैठे। माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि आदमी पागल हो जाए। और यहाँ पर ठाकुर साहब का केस अलग, वो बिल्कुल फिट है, और ऐसे में उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना उनके लिए ठीक नहीं। कहीं दीप सिंह की इस डॉक्टर से मिलकर कोई ये नई चाल तो ना है? कहीं इसलिए तो दीप सिंह ने इतने दिनों से रिपोर्ट को छुपा कर ना रखा था? जबरदस्ती दवाइयों का हैवी डोज देना ठीक नहीं, बल्कि उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। देखिए, फिलहाल रणवीर सिंह को अपना प्रेजेंट भी याद है और फ्यूचर भी याद रहे, ऐसे में उनका पास्ट को याद दिलाने की कोशिश करना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहे। मैं भी डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। अगर मेरी याददाश्त वापस लाने का कोई इलाज नहीं है तो ना सही, मैं शारीरिक तौर पर पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा हूं। मेरी याददाश्त को जब वापस आना होगा तो आ जाएगी। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आप सबके बीच में हूं, खुश हूं, जिंदा हूं, क्या इतना आप सबके लिए काफी नहीं है? क्या मेरी याददाश्त का वापस आना आप सबके लिए इतना जरूरी है? हमारे वास्ते हमारे भाई का हमारे पास होना बड़ो जरूरी है। छोटे, जब तू अटे नहीं था ना, थारे को मालूम नहीं कि मैं कितनी मौत मरी हो। थारे को याद आवे या ना आवे, लेकिन मैं थारे को तकलीफ में ना दिख सकूं। आज ना भगवान जी महाराज हमारे साथ इतनी नाइंसाफी ना कर सके। मारे को तो लागे है ये दीप सिंह की कोई नई चाल, आज तक रिपोर्ट को छुपाए रखा और आज हमारे को अपनी बहन की खुशी वास्ते कुछ करना ही होगा। हरी चीजें की ठाकुर साहब को पाने की इतनी बड़ी साजिश थी कि आज ठाकुर साहब के इलाज की बात भी खारिज हो गई, और हमारी उम्मीद तरासाई हो गई। और धीरे, अरे धीरे भांजे धीरे, अरे किसी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। घर में रणवीर के अतीत को शोक मनाया जा रहा है और तू है कि हंस रही हो? अरे मामा साहब, अब मारे को किसी का डरना है और ये चुप चुप कर खुशियां बनाने की कोई जरूरत ना है। हमारे सर पे जो तलवार लटक रही थी वो हट गई। अब किसी को पता ना चलेगा कि रणवीर का एक्सीडेंट कैसे हुआ और किसने करवाया। समझो, लेट्स गो, मजा आ गया। भगवान इतना कठोर तो ना हो सके ना, तो फिर कहाँ है उसने हरा भाग्य रसाल के भाग्य से बदल दिया। साके प्रेम पर रसाल का अधिकार है, ठाकुर साके बिंदी तो रसाल है, तो फिर मैं? अरे क्यों अपने आप को दोष दे रही है? अरे इसमें थारी क्या गलती है? ये तो सब थारी माँ को क्यों धरियो है, ये तुम दोनों बहनों को भुगतना पड़ रही हो है, या सब थारे माँ के कर्मों की सजा है? तो फिर यो सजा से रसाल को इकाई भुगतनी पड़ रही है बापू। अरे तू अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी है,
और आज भी भुगत रही है। साल के दुख के सामने हमारा दुख तो कुछ भी ना है बाबू, उसकी तो हंसी टूट गई है, कैसे जिएगी अपना साल। अब इन सब बातों का जवाब तो वो ही जाने। मिंद्री, जाने हैं मारे जीवन को सबसे खुशी का पल कौन सो था, जिस दिन रणबीर ने अपनी तोतली जबान से पहली बार मारे को मासा कहा था। उसे जैसे मारे को मारी पहचान मिल गई हो। और रणबीर ने जब अपनी यादाश्त खो दी और उस दिन मठ में मारे को अजनबी नजरों से देखने लग गयो, तब मारे को लगा कि रणबीर की याददाश्त के साथ साथ मैंने भी अपनी पहचान खो दी है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ अचानक खाली हो गया, जैसे मैं किसी अनजान रास्ते पर चले जा रहा हूं और जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो कुछ दिखाई नहीं देता, एक अंधेरा बन सा है, सब कुछ अंधेरा है, ना कुछ याद है, ना कोई ख्याल, ना कोई सोच, सब खत्म हो गया। ऐसा काहे सोच रहे हो ठाकुर साहब, कुछ खत्म ना हुआ है, जब तक सांस होवे है तब तक आस होवे है, एक और बेटा तो एक ही नाल में बंधे हुए है, ये रिश्तों कभी ना टूट सके मासा। हरे और ठाकुर साहब के बीच अब कोई बंधन ना रहे हो, सिर्फ ये नाम वास्ते पढ़ाए हो रिश्तों बचे हुए, जो ठाकुर साहब ना जाते भी डोर है और मैं बस खींची चली जा रही हूं। अब तक मड़ में ही उम्मीद थी कि एक ना एक दिन हरे को मारा वीर मिल जाएगा, ये ना हो पावे को, जब ठाकुर सा कोई अतीत ना है तो मैं इकट्ठे जाऊंगी। तुम मुझे बताओ, क्या मुझे अपना बचपन कभी याद आ पाएगा? ये याद आ पाएगा कि अपने परिवार के बीच में मैं कैसे बड़ा बड़ा, कौन थे मेरे दोस्त, किस बात पर मैं खुश होता था और कौन सी बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी? कभी कुछ याद नहीं आएगा रुक्मी मुझे, कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा रहा। और यही सोच सोच कर मैं अंदर ही अंदर खोट रहा हूं रुक्मी, अपने आप को ही अनजाना सा लगने लगा हूं। अब तो अपनी यादों को दूसरों से मांग मांग कर अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी मुझे, और ऊपर से ये रसाल का गिल्ट, जब भी वो मेरी तरफ देखती है मुझे उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई देती है रुक्मी। भाग्य बारे साथ आए इस वास्ते तो गायत्री ताईसा से भी बदतर हालत होगी हमारी, सौतड़ होते हुए भी ताईसा उन्हें सम्मान देवे और उसे प्रेम करे, तो सिर्फ ठाकुर साहब की जिम्मेदारी बढ़कर रह गई, जिसे वो निभाना ना भूलेंगे पर अपनी बींदड़ी की तरह हमारे से कभी प्रेम ना कर पाएंगे। बाकी सब कुछ तो मैं उसे छीन ही चुका हूं, और अपने इस खालीपन की वजह से अब धीरे धीरे उसकी उम्मीदें भी छिन जाएंगी, और फिर वही होगा जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर है। तुमसे रसाल की तकलीफ देखी नहीं जाएगी, उसके लिए तुम त्याग करने के लिए बेचैन होने लगोगी, मुझसे जान पूछ कर तुम दूरियां बनाने लगोगी, और मुझे मेरे इस अकेलेपन में, इस अंधेरे में अकेला छोड़ दोगी तुम, यही होगा ना रुक्मी।
को इस अंधेरे में एकला छोड़कर मैं कैसे जा सकूं?